तो देखो ना, मैंने आज ऐसे बाल बनाए हुए हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? और हाँ, मैंने आपको ना स्टोरी के साथ साथ एक कुछ बताया भी था। आपको याद है कि अगर आपको कुछ भी झिया ऐसे कुछ भी डार्क सर्कल कुछ हो रहा है तो आप उसमें लाइक क्या लगा सकते हो, जो थोड़ा सुनने में शायद हो सकता है आपको अलग लगे, लेकिन मैं बता देती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इतनी अच्छी चीज़ लाइक आप लगाओगे तो चेहरे की रौनक अलग ही होगी। देखो जैसे मेरे लग रही हूँ ना एकदम मस्त, और देखो बिना मेकअप की हूँ कितनी सुंदर लग रही हूँ। उबर नहीं लेकिन हाँ है, सुंदर तो लग रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने से प्यार तो होगा ही। वो इसलिए कि आप लोग जो मेरी इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हो ना, तो मुझे अपने से प्यार होगा ना। तो गाइस ना देर करती हुई हूँ, चलिए अपनी स्टोरी पे आती हूँ मैं आज फिर से आपको, क्योंकि मेरे बहुत ही पहले से बहुत अच्छे दिन आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे दिन आ चुके हैं मेरे। अच्छे दिन का मतलब ये कि मैं अपने घर पे अपनी जगह बना चुकी हूँ। जो लोग जिसको जो बोलना है वो बोलता रहता है, कहता रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड मेरा बहू अभी बड़ा हो गया है, मेरा आयुष भी बड़ा हो गया है, सो मुझे इतना किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है। थोड़ा मुझे काम को लेकर दिक्कत है, तो उसको भी मैं मैनेज कर रही हूँ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अलग ही अपना डिसीजन लिया हुआ है, फैसला लिया हुआ है, तो मैंने शुरू करनी की एक कंपनी है जो वेस्टीज मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी है। सो मैंने उसमें मार्केटिंग करने का फैसला लिया। मुझे और कोई काम समझ नहीं आया फ्रेंड, मैं क्या करूँ, मुझे पता नहीं। उसमें बहुत ज़्यादा दिखाया गया तो मैंने उसको करने के लिए हाँ कर दी और मैंने उसकी ज्वाइनिंग ले ली। उसकी ज्वाइनिंग लेने के बाद क्या हुआ कि मैंने काम तो शुरू कर दिया। एक साल गैप किया, मतलब तुरंत नहीं शुरू किया, एक साल गैप किया। एक साल गैप करने के बाद कुछ महीने और धीरे धीरे लग गए, मतलब कुछ महीनों से जनवरी से मैं थोड़ा थोड़ा घर पे ही मोहल्ले पे ही ट्राई मारने लगी, घर और मोहल्ले पे। सो वहां पे मेरी 30-35 लोग इकट्ठे हुए, फिर मैंने वही मई के लास्ट मंथ से 25-26 मई 27 को शुरू किया निकलना घर से। शुरू किया फर्स्ट टाइम पे बहुत दिक्कत होती थी, लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, काम करने में भी बहुत दिक्कत होती थी। फ्रेंड्स, मैं जाती थी, मैं देखती थी कि मीटिंग क्या है, कैसे क्या होता है, क्या करना होगा, लेकिन बताती हूँ आपको कि बहुत ही शौक था पैसे कमाने का और अपने तरीके से जीने का। सो मैंने उसको कर लिया। करने के बाद बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की, बहुत लोगों ने कुछ कुछ बातें बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी के ना रोकने से रुकी और किसी के ना टोकने पर रुकी, क्योंकि मुझे बस करना ही है। मैं ऐसी हूँ, मैं थोड़ा सीरियस रहती हूँ चीज़ों को लेकर, वो चाहे मुझसे कोई रिलेटिव चीज़ हो या मेरी खुद की पर्सनल हो, और मैं सीरियस बहुत जल्दी हो जाती हूँ। सो ऐसे ही मेरा काम पे भी रहता है। मैं उसको अगर मेरे मन में है कि मुझे ये करना है तो मैं उसको कर लेती हूँ, बस ऐसी हूँ मैं। मेरे मन में आया कि मैं बहुत दिनों के बाद, तो इस पागल दिमाग में आया था कि मुझे कुछ मिला है, भगवान ने जो दिया है वो बहुत अच्छा है, चलो मैं इसको करती हूँ, भगवान का नेम लेकर करती हूँ। और मैंने उसको करना शुरू किया। करने करते करते क्या हुआ, जब मैं लोगों से बात करती है, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती, बहुत टफ था, बहुत मैंने उसमें लाइक बहुत ज़्यादा दिक्कत सही है।
जब लोग मुझसे ज्वाइनिंग करते थे तो मुझे इतना अच्छा लगता था, वो चाहे 100 रुपये की ज्वाइनिंग हो, बट उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की और काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा गवा दिया क्योंकि उसमें बहुत फ्रॉड लोग थे। देखिए, काम कोई बुरा नहीं होता है, मुझे लगता है कि जो लोग होते हैं, तो क्योंकि मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है, कुछ कहना नहीं है, वो जो दुनिया के जो बहुत ही बिल्डर लोग हैं, जिन जैसे आप किसी का भी आप देख सकते हो ना,